बहुत दिनों से जो हमारा ये हेल्थ केयर फैसिलिटी है चाडूरा में, यहाँ के लोगों की तरफ से ये सजेशन था कि कुछ काम ऐसे हैं जो चाडूरा के जो हमारा इसको ट्रेडिशनली हम एसटीएच कहते हैं चाडूरा का, वहाँ पे कुछ कामों की अभी ज़रूरत है करने की। तो उसी को देखने के लिए चार मेजर काम थे जिनको हमें फटाफट पूरा करना होगा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एक लिफ्ट है, क्योंकि ये जो हमारा हेल्थ सेंटर है ये 3 फ्लोर्स का है, तो इसमें लिफ्ट का नॉन फंक्शनल होना एक दिक्कत की बात है। तो हमारे JKPHC के जो इंजीनियर साहब हैं उनको हम साथ लेके आए कि हम पहले एक हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लिफ्ट में जो कमियां हैं वो पूरी करेंगे और लिफ्ट को रन करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी और लिफ्ट बकायदा लोगों को हम डेडिकेट कर सके ताकि वो चालू हो जाए। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, एक OT थिएटर सेक्शन 3rd फ्लोर पे बनाया गया है। सेकेंड फ्लोर पे जो बंद तो गया है बट फंक्शनल नहीं। तो आज हमने ये दौरा किया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जो वहाँ पे रखरखाव करना है वो किया जाए ताकि एक अच्छी फैसिलिटी जो बनी हुई है उसको हम फंक्शनल कर देंगे। एक ऑपरेशन थिएटर के अलावा बाकी ऑपरेशन थिएटर का भी एक पूरा डेडिकेटेड फ्लोर होगा जो चाडूरा के लोगों के लिए ज़रूरी है। एक सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत थी जो यहाँ पे बनाया गया था बट फंक्शनल नहीं, तो हमने कीज़ BMO को हैंडओवर कर दी है जो चाडूरा डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है चलाती है, और आज से अगर कोई भी पब्लिक आए वो पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ कर सके। प्रूनिंग की ज़रूरत थी, कहीं पे अंडर पब्लिक न्यूसेंस एक्ट प्रूनिंग करवाई गई है, क्लीनिंग की कहीं ज़रूरत है। कुछ अभी मैं लोगों से मिल रहा था तो कुछ एडिशनल मैन पावर की बात कर रही है, कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल हम ज़रूर कराएंगे, यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स और आई हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट केपेक्स का प्लान बनने वाला है अगले साल का, उसमें जितनी चीज़ों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं वो करेंगे ताकि चाडूरा के लोगों को यहाँ पे सहूलियत हो। सर, पीपल स्टिल सफर बिकॉज ऑफ द एम्बुलेंस एक्सेस, पीपल स्टिल कंप्लेन दैट द हॉस्पिटल इज नॉट हैविंग इट्स ओन एम्बुलेंस एक्सेस, एम्बुलेंसेस फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरियाज एज वेल द ICU एंड द वार्ड, दैट टू इज हैविंग द वॉशरूम फैसिलिटीज विद लेस सैनिटेशन एंड पेशेंट्स डू सेट दैट। In order to make sure that the people do not suffer and the people are actually facilitated towards better facilities, it is our committed explanation to you that under the district capex plan that we will be having for this year, whatever funds can be provided for the additional facilities will definitely be provided to the people of Chandigarh. अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि जो यहाँ की USG है, वो आज से करीबन 3 साल पहले की है और ब्लैक एंड व्हाइट अभी नहीं आई है। मैंने BMO मैडम को ऑलरेडी ये बोला है, अपने लेवल पे रिव्यू कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मशीन्स हो, ऐसी जितनी रिक्वायरमेंट्स है जिसको हम फटाफट पूरा कर सकते हैं वो कंसोलिडेट करेंगे और हम अपने केपेक्स प्लान से इसको फंड करने की। सर, ऐसी जदीद दौर में भी ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है, यूजी जो है तो ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है, कलर्ड नहीं हो रही है। अब कलर डॉपलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन करना हो, सारी रिक्वायरमेंट जो है एक बार BMO मैडम को बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे पूरी करने की। खड़े हैं, ये NTPHC करालपुरा है। आपको जहन में होगा कि बहुत सारी ऐसी NTPHC PHCs पिछले 7-8 महीनों में जो बड़े सालों से नॉन फंक्शनल थी, अलग अलग एरियाज़ में हमने फंक्शनल कराई है, जिसमें NTPHC कानेर हो, NTPHC हमारा मागाम में हो, NTPHC हमारा गुंडीपुरा का हो, उसके अलावा और भी एक दो चून का हो NTPHC। अब हमारी फोकस जो है वो करालपुरा का जो NTPHC है जो सालों से पेंडिंग पड़ा है उसको फंक्शनल करने का है। आप देखेंगे इसमें कुछ लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू था, तो पिछले 10-15 दिन पहले मैंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी, काम आगे बढ़ गया है। होपफुली अगले 1 महीने में हम ये NTPHC भी फंक्शनल करके करालपुरा के लोगों को डेडिकेट कर सकेंगे ताकि वो अपने नज़दीक जो एक हेल्थ सेंटर है, एक हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ पे अपनी हेल्थ सर्विसेज को ले सकें। इससे पहले SDH चाडूरा गए थे, वहाँ पे भी कुछ अपग्रेडेशन, कुछ रिक्वायरमेंट्स, लिफ्ट की हो, हमारा एक OT का ब्लॉक बना हुआ है 2nd फ्लोर पे उसको फंक्शनल करने की हो, कुछ बाउंड्री वॉल की हो, कुछ पुरानी मशीन्स हैं उनको नया करने की हो, उसको भी अपग्रेड करेंगे और उसको भी अपग्रेड करके चाडूरा के लोगों को हम डेडिकेट करके ये कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं वो एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में ले सकें। यही हमारी विजिट का मकसद था। इसके अलावा जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये पूरी की पूरी पेंडेंसी लिस्ट बहुत जल्दी 0 पे पहुंच जाएगी। 5-6 ऑलरेडी हो गए हैं, 7वां 8वां ये होगा। इसी के साथ साथ पैरेलली एक दो और PHCs पे काम चल रहा है, दलवन की बात करूंगा मैं, तो वो भी बहुत जल्दी हम कंप्लीट करा के फंक्शन करेंगे।